झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को लेकर आज कोर्ट में पेशी होनी है आलमगीर आलम की। आलमगीर आलम को रांची के स्पेशल कोर्ट में ईडी पेश करने वाली है। आलमगीर पर टेंडर घोटाले में कमीशन खोरी का आरोप है। आलमगीर आलम को ईडी ने कल गिरफ्तार भी कर लिया। झारखंड में भ्रष्टाचार का एक और विकेट गिरा है। लंबी पूछताछ चली, एक दिन पहले भी उनसे 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। कल फिर ईडी ने सवाल जवाब किया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। झारखंड कैश कांड को लेकर गिरफ्तार मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम को ईडी आज कोर्ट में पेश करने वाली है। ईडी ने मैराथन पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। आलमगीर आलम से ईडी ने मंगलवार को भी 9 घंटे तक पूछताछ की थी। 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम के अपार्टमेंट पर छापा मारा था, जहां से 37 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। छापेमारी के बाद आलम और संजीव लाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आलमगीर आलम को सामने बिठाकर इन दोनों से पूछताछ हुई थी। आलमगीर आलम संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रांची के स्पेशल कोर्ट में ईडी आलमगीर आलम को पेश करेगी। टेंडर घोटाले में कमीशन खोरी का पूरा आरोप है। 37 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। नोटों के इस पहाड़ को लेकर एक और विकेट गिर गया है, यानी झारखंड के सीएम के बाद मंत्री की गिरफ्तारी और झारखंड के मंत्री की टेंशन अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हुआ है, भगवान को प्रार्थना करता हूँ बाकी आलमगीर आलम भी अरेस्ट हो जाए। इसमें एक आलमगीर आलम का अरेस्ट हुआ है, भगवान को प्रार्थना करता हूँ बाकी आलमगीर आलम भी अरेस्ट हो जाए। तो झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने तंज कसा। झारखंड बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि वो शुरुआत है, अब उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए भ्रष्टाचार से बचना नामुमकिन है। आज भ्रष्टाचार का एक और बड़ा विकेट गिरा। इसके पहले मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और आज मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और हमें तो लगता है ये तो होना ही था साहब, एक निजी सहायक के नौकर के यहाँ से जब 35 करोड़ रुपए बरामद होंगे, और जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये आलमगीर आलम के विभाग का सिर्फ 3 महीने का 3.5% कमीशन का हिस्सा था, तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ एक शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी 4 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में वो मंत्री रहे थे, तो बाकी जो अरबों रुपए की इनके काले लूट की कमाई है, जैसे जैसे पूछताछ होगी उसका भी खुलासा होगा। लेकिन एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि ये नरेंद्र मोदी का निर्णय लिया है, आप बड़े पद पर भ्रष्टाचार करके बचना चाहेंगे तो ये नामुमकिन है। ये जो परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या भ्रष्टाचारी को छोड़ना चाहिए क्या? अरे इस देश में इन्होंने भ्रष्टाचार का आलम जिस तरह से कर रखा है वो आप सभी के सामने है। भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के आधार पर देश नहीं चल सकता, देश संविधान के आधार पर चलेगा।